बिपिन रावत के बाद देश के दूसरे पीडीएस के पद पर अब जिम्मेदारी संभालेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान, जो कि अब देश के नए पीडीएस होंगे। उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले हैं अनिल चौहान। इनके कंधों पर यह जिम्मेदारी, क्योंकि बिपिन रावत के बाद ये सवाल उठ रहा था कि आखिरकार वो कौन होगा जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आतंकवाद रोधी अभियान में चौहान को महारत हासिल है, उनके बारे में ये खबरें सामने आती रही हैं। गोरखा राइफल्स से सेना में उनकी एंट्री हुई थी। तो मंजीत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजीत, बिपिन रावत के बाद अब देश को दूसरा सीडीएस मिला है। बिल्कुल अर्पिता, करीब 8 महीने का वक्त इसमें लगा, क्योंकि दिसंबर पिछले साल जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत की दुर्घटना में वो दिवंगत हुए थे, उसके बाद ये अपॉइंटमेंट हुआ है। और काफी महत्वपूर्न है, क्योंकि पिछले 8 महीने से न सिर्फ सीडीएस बल्कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का जो पद था रक्षा मंत्रालय में, वो खाली पड़ा हुआ था। और जहां तक लेफ्टिनेंट अनिल चौहान की बात की जाए, वो वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि एनएसए के मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं। और इससे पहले उनका लगभग 40 साल का सैन्य करियर रहा है। मई 2021 में वो सेना की ईस्टर्न आर्मी कमांड से कमांडर के तौर पर रिटायर हुए थे, और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वो मिलिट्री एडवाइजर के पद पर कार्यरत थे। तो एक अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, 40 साल लंबा उनका करियर है। इस आर्मी कमांडर से पहले वो डीजीएम यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर साउथ ब्लॉक में काम कर चुके हैं, लंबा चौड़ा अनुभव उनका रहा है। और वो गोरखा राइफल से आते हैं, जहां पर उनका कमीशन हुआ है। और लगभग सारी जगह जो भी महत्वपूर्ण कमान है सेना की, चाहे उत्तर पूर्व की ईस्टर्न कमांड की बात की जाए या फिर कश्मीर की बात की जाए, सभी जगह पर उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर से लेके ब्रिगेड और डिप कमांडर के तौर पर काम किया है। एक लंबा चौड़ा अनुभव उनके पास है, और पिछले करीब एक साल से ज्यादा वो देश की जो सर्वोच्च सिक्योरिटी से जुड़ी संस्था है एनएससीएस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं। और अब करीब 8 महीने के बाद मोदी सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत तमाम जानकारी के लिए।